अब हम आपको लेके चल रहे हैं कर्नाटका के दूसरे सफर पर, उडुपी और मुर्देश्वर। उडुपी थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कर्नाटका, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस सेंटर ऑफ कर्नाटका। इट्स नोन फॉर इट्स हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडिंग द ह्यूज 13th सेंचुरी श्री कृष्णा टेम्पल। उडुपी इज एन ओपन स्क्वायर सराउंडेड बाय टेम्पल एंड मठ। इसके पीछे की भी अपनी एक कहानी है। उडुपी 12th सेंचुरी के सेंट माधव का जन्म स्थल है, जिन्होंने यहाँ 8 सन्यासी मठ स्थापित किए हैं, जो कर्नाटका के बहुत ही चर्चित धार्मिक स्थलों में से एक है। ये माना जाता है कि उडुपी नाम इसके तुल्लु नाम ओडिपू से लिया गया है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द मून। यही नहीं, उडुपी सिर्फ अपनी धार्मिक जगहों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बीचेस के लिए भी फेमस है, जैसे कि मालपे एंड अगम्बे बीच। और मुझे अगम्बे बीच जाने का मौका मिला, वो भी सनसेट के टाइम पर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज मुर्देश्वर टेम्पल। द सेकेंड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू इन द वर्ल्ड इज इन मुर्देश्वर, जिसकी हाइट 124 मीटर है और जिसको बनाने में 200 से ज्यादा आर्टिस्ट लगे थे, जिन्होंने इसे 2 साल में बनाया था। Built in such a way that the sun rays fall directly on it and make it look shiny all the time. This temple is built on the Kanduka hill, which is surrounded by the Arabian Sea on 3 sides. The main temple's entrance, also called as Gopura, stands at 123 feet, including 20 stories, which made it first highest Gopura of India. You can witness the breathtaking view of the Shiva statue from the top of it. An elevator has also been installed here to provide breathtaking views of the magnificent statue to all the devotees. So, ये थी कर्नाटका की हमारी दूसरी स्टोरी। Stay tuned for the next one.